बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट अ केस स्टडी रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ ऑयस्टर मशरूम। इसका बेसिकली आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आप में से कल को एक तो आप लोगों को प्रमोट करना कि ये आप हमें इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। स्मॉल बिजनेस जो है वो आप स्टार्टअप्स दे आर ऑलवेज गुड। इस केस स्टडी के जरिए आप कल को अपने अगर आप अपना स्टार्टअप है तो उसको एनालाइज कर सकते हैं, या ओवरऑल ये एक सर्वे किया गया है था, ये बेसिकली इंडिया में किया गया जिसमें स्टूडेंट्स ने सर्वे किया या केस स्टडी की कि जिसमें उन्होंने एनालाइज किया है कि ये जो कारोबार है मशरूम का ये फायदेमंद है या नहीं है। तो इट वॉज बेसिकली डन ऑन ऑयस्टर मशरूम। तो आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो ऑयस्टर मशरूम है ये प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन का रिच सोर्स है। It has increased, its cultivation is increased tremendously duniya mein puri due to its ability to grow at a wide range of temperature and utilizing various agro-based residues. Ye agro-based residues ko utilize karke aur adaptability ki wajah se iski jo hamare paas cultivation hai wo increase ho rahi hai. Growing ऑयस्टर mushrooms convert a high percentage of the lignocellulosic substrate to a fruiting bodies, increasing profitability. ठीक है, तो आपका अगर आप फार्मर हैं तो आपके पास तो ये लिग्नोसेलुलोसिक सब्सट्रेट वैसे ही आना ही आना है। अगर आप नहीं भी हैं तो आप एक सस्ती चीज को एक महंगी चीज की तरफ लेके जा रहे हैं। सो इट विल ओवरऑल ये आपके लिए इंडिविजुअली और मुल्क के लिए फायदेमंद है। इट रिक्वायर्स अ शॉर्ट ग्रो टाइम इन कंपेरिजन टू, और इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन है दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। सर्वाइवल और मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ फैक्टर हैं जो इंडिविजुअली या इंटरेक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर क्या करता है ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है ऑयस्टर मशरूम की, उसको या तो उसको नॉमिनल रहने देता है, या वो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वो डिफिकल्टी होती है उसकी ग्रोथ में, और ये चीज जो है ये आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करती है। सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स विच विल हेल्प विच विल डिसाइड द योर प्रोडक्शन और अल्टीमेटली योर अर्निंग। अगर एडवांटेजेस की बात करें, इट्स एबिलिटी टू ग्रो एंड एट 18 टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड फास्ट माइसीलियल ग्रोथ एंड कपल्ड विद द रैपिड कॉलोनाइजेशन ऑफ सब्सट्रेट आर अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो इसकी अडेप्टेबिलिटी टू द टेम्परेचर और इसकी फास्ट माइसीलियल ग्रोथ जो है वो इसको बाकी मशरूम से मुमताज करती है। अब हम अपने उसी चीज की तरफ आते हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ये है कि अगर आपने जगह आपने एक रूम बनाया है या कोई ऐसी चीज है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी। वेरिएबल हर साल जो आपकी स्पॉन की जो अगर आप स्पॉन खुद बनाना शुरू कर दें तो वो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आप परचेज कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, अब जो अपने फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर साल डिग्रेड होता है, उसकी भी डेप्रिसिएशन होती है। इस फॉर्म वर टेकन एज 10% पर एनम, मतलब अगर आपने 20,000 रुपए पर शुरू में लगाया है तो उसको आप समझें कि एट द एंड ऑफ द डे साल के एंड पे वो 18,000 रह गया। सो 10% जो है वो दैट इज डेप्रिसिएशन। तो ये चीजें आपने समझनी है जब आपने बिजनेस करना हो तो आपको उसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज या उसके आउटकमिंग्स को जेन में रखना चाहिए। तो आपकी कल्टीवेशन में से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी प्लस वेरिएबल, और हर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डेप्रिशिएट होगी, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट आप खुद कम कर सकते हैं। नेट इनकम जो होगी वो आपके टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसमें से जो आपके एक्सपेंडिचर है फॉर वन क्रॉप वो आप निकाल देंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। सो बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये है कि अगर एक पढ़ा लिखा बंदा बिजनेस करे और एक अनपढ़ करे तो दोनों में फर्क होना चाहिए, और यही फर्क है कि आप हर चीज को कैलकुलेट करें और उसमें से अगली दफा जब आप उसको प्रोड्यूस करें तो वो उसको आप जो आप समझते हैं कि इन चीजों को मैं कम कर सकता हूँ उसको कम करें। तो दैट इज व्हाई दिस कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मशरूम की प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें, लो इन्वेस्टमेंट इनडोर एक्टिविटी है, वेरी सिंपल, विच कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए। हमने कल जैसे पैडी स्ट्रा की बात की थी, पैडी स्ट्रा के लिए आपको क्या सिर्फ एक स्टैंड बनवा लें, वो भी आपके घरों में लकड़ी के हम खुद बनवा सकते हैं। तो मतलब इजीली अवेलेबल चीजों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो 45 to 55 डेज तक एक क्रॉप जाती है, और जिसमें से 4 हार्वेस्टिंग हम लेते हैं और उसके पहले दिन कुछ जो है वो स्टार्ट में, एंड अंडर कंट्रोल कंडीशन हैंड्स देर कैन बी 8 क्रॉप पर ईयर। मतलब 60 दिन की क्रॉप हो तो आप 8
यानी कि अगर 45 की हो तो आप 8 क्रॉप्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर, मतलब आप उसको हर, अगर आपके पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। वी कैन वे द मशरूम फॉर ईच बैग हार्वेस्टेड, और अगर आप, और हर हार्वेस्टिंग का जो बैग है वो आप उसको वे करेंगे तो आपके पास टोटल जो वेट आ जाएगा, एक फॉर एग्जाम्पल 4 माह की क्रॉप लगाई तो हमने उसकी जो पिकिंग्स हैं वो वन बाय वन आती रहेंगी। जैसे आप ये, अब हमने शुरू में स्टार्ट की जनवरी में, एट द एंड ऑफ द जनवरी वी हैव दिस फर्स्ट हार्वेस्टिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हार्वेस्टिंग, जो जनवरी में मशरूम यील्ड, देन फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल। सो दीज आर द थिंग्स जो कंजेक्टिव मंथ्स में यील्ड है डिफरेंट मशरूम्स की। दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सीडिंग विल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड द सब्सिक्वेंट बैग्स इन द सक्सीडिंग मंथ। मतलब ये जो 4 हार्वेस्टिंग है ये जनवरी की सीडिंग में है, देन फेब्रुवरी की सीडिंग है, मार्च की सीडिंग है, अप्रैल की सीडिंग है। तो ये इसका जो हमारे पास सबसे अच्छा रिजल्ट है वो आप ये देखें, इसमें और इसमें अप्रोक्सीमेटली ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो जनवरी और फेब्रुवरी, इसका मतलब था कि टेम्परेचर जो है वो गुड, अच्छा था, तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो भी अच्छी आई। अप्रैल में वो तकरीबन हाफ रह गई। सो अगर आप अप्रैल में करना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू नीड, यू नीड कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, यू हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर टू गेट द, इफ यू वांट अ गुड यील्ड। लेकिन उससे फिर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ेगी। मैक्सिमम यील्ड जो है रिकॉर्ड की गई इस केस स्टडी के मुताबिक वो 28.06 थी इन द केस ऑफ जनवरी, और सबसे कम अप्रैल में थी। जो कमी की वजह क्या है कि अप्रैल में टेम्परेचर हाई हो जाता है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सो एक चीज ये शो करती है कि अप्रैल इज नॉट फिट, एंड द अदर थिंग इज टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द यील्ड ऑफ द मशरूम। मेल फॉर्म मशरूम्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की बात करें, इन फर्स्ट एंड सेकेंड सीडिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर्स एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइसीलियम व्हिच हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द यील्ड ऑफ मशरूम। अब बेसिकली दोबारा आपको समझने वाली बात जो है कि जो इन पहले 2 माह थे साल के, उनके अंदर टेम्परेचर हमारे यहाँ पंजाब के अंदर स्पेशली बड़ा सूटेबल होता है। इसमें आपको किसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में ये खुद कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी कन्वीनियंट। लेकिन आप इफ यू वांट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर। जो हमारी पहली हार्वेस्ट है वो अगर 30 kg हमें दे रही है हार्वेस्ट और वो कम होके 15 रह जाए, सो इट्स अ वेरी, वी नीड टू थिंक अबाउट। अगर आपने वेदर, आपने डिटरमिन करना हो कि ये जो बेस्ट बिजनेस है, यू आर प्रोड्यूसिंग मशरूम, इज प्रॉफिटेबल और नॉट, तो आप क्या करेंगे, कैरीड आउट इन अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन द इनिशिएटिव। आपको जो आपकी शुरू की कॉस्ट है वो आपको देखनी होगी, द मेन इनपुट्स, उसके बाद जो है वो सबस्ट्रेट और स्पॉन है। द टोटल एक्सपेंडिचर्स कैन बी अप्रोक्सीमेटली रुपीज अराउंड 5760 फॉर द सबस्ट्रेट एंड स्पॉन। स्पॉन इज द मेन इनपुट ऑफ द मशरूम प्रोडक्शन, द एवरेज कॉस्ट पर बैग इज 30, ये इंडिया के हिसाब से है, तो आप अपने यहाँ इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। द इकोनॉमिक एनालिसिस फर्दर रिवील दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किलोग्राम ऑफ मशरूम वाज 60 एंड द ग्रॉस रिटर्न वाज 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 20,000 रुपए उनको जो उन्होंने हासिल किए, पर बैग जो कीमत थी वो 30 थी और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 किलो पे जो है वो 60.63। नेट रिटर्न जो उनको बचा कि 20,000 उनको जो हासिल हुए उनमें से तकरीबन 6,000 रुपए उनका खर्चा हुआ और 14,240 जो है वो उनको रिटर्न्स पर किलो केम अबाउट 149.89, 60 रुपए उनको खर्चा करके 149 रुपए बचत हुई। अब इस चीज को हम इधर देखते हैं कि एवरेज यील्ड पर मंथ 28 थी जो कि सबसे ज्यादा थी, कॉस्ट उस पे थी 1701 रुपए, ग्रॉस इनकम आई 4205 और नेट रिटर्न आया 2504। ये शॉर्ट, मतलब छोटे लेवल की बात है, आप अंदाजा कर लें कि इट इज जस्ट अबाउट पर केजी। अब जितने आप इसको बढ़ाते जाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि कितने केजी और आपका कारोबार किस तरह है, यू द विच इज द मार्केट यू आर गोइंग टू फोकस, तो इन तमाम चीजों से आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बढ़ेगा। तो ओवरऑल देखें तो जो अप्रैल जिसमें उन्होंने कंडीशंस वर नॉट सक्सेसफुल स्टिल सेव देम अबाउट 1347.38 रुपीज। अब जो हमारे पास नॉन रिक्रूट रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, जो आप ये कह लें कि जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या, बिल्डिंग की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 20,000, देन वी हैव स्प्रेयर पंप नंबर 1, मतलब गल्वनाइज ट्यूब्स और इस तरह की जो चीजें हैं
दैट्स आर इम्पोर्टेंट. तो ये हम एक ही दफा हमने जो खर्चा किया 22,600 का, ये आपका 50,000 भी हो सकता है, डिपेंड कि आप किस लेवल पे करते हैं. ये लाखों में भी हो सकता है, अगेन डिपेंड करेगा किस पे, कि आपका मोटिव क्या है. रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो पैडी स्ट्रॉ ये हर दफा आपको लेना पड़ेगा, देन पॉलीथीन बैग्स आपको हर दफा लेने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ स्पान जो है वो हर दफा लेने पड़ेगी, फॉर्मेल्डिहाइड ये यूज हो जाता है, मिसलेनियस 1,000, तो टोटल 3,500. डेप्रिसिएशन की बात करें तो 2,210% टोटल फॉर वन ईयर, तो ये इतना डेप्रिसिएशन हो रही है 2,600 में से 10% डेप्रिसिएशन लगाए तो 2,260 हो गई, तो 5,760 टोटल एक्सपेंडिचर हुआ एक साल का. ठीक है, मतलब ये कॉस्ट आपने लगाने के बाद आपका जो एक्चुअल खर्चा हो रहा है वो है 5,760, और उसमें से जो हमें फॉर 19 मशरूम्स 95 kg एट रुपीज 200 पर किलोग्राम के हिसाब से 19,000, बाय प्रोडक्ट 1,000, मतलब 1,000 में वो जो आपके पास यूज्ड कंपोस्ट है वो आप बेच सकते हैं, तो 20,000 टोटल रेवेन्यू हुआ. उसमें से 20,000 में से अगर आप 5,760 रुपए माइनस करें तो 14,240. ये एक बहुत ही छोटे लेवल पे जो एक केस स्टडी है जो स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने की. सो बेसिकली आपको बताने का मकसद यह है कि इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. इस चीज़ को हम ये कहते हैं द स्पेंट मशरूम जो उन्होंने ये 1,000 कहाँ से आया, ये इट इज़ अबाउट द स्पेंट मशरूम जो है वो फार्मर्स को 1,000 पे आपने बेच दी. आप अपना ये जो रिकरिंग इसको कम कैसे कर सकते हैं, आप स्पॉन खुद प्रोड्यूस करें तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, प्रोड्यूसिंग स्पॉन फ्रॉम देयर ओन रिक्वायरमेंट. उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक छोटी सी लैब चाहिए, ऑटोक्लेव, इनोकुलेशन, और ये आप यूज में चीजें खरीद सकते हैं. सो 10-12 डेज ऑफ स्पॉन ऑफ कैन बी प्रिपेयर्ड विद द लिटिल प्रैक्टिस, दिस कैन बी रिकमेंडेड दैट मशरूम ग्रोइंग इज अ प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर. ओवरऑल अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर. वी वर डिस्कसिंग दैट द सब पेंट मशरूम जो है वो उसको आप 1,000 रुपए में बेचेंगे और ये कन्वर्टेड इनटू एंड सोल्ड टू फार्मर्स. तो आप अपने कैसे कम कर सकते हैं स्पॉनिंग के जरिए, और ये दिस वाज सो ये हमारी लास्ट स्लाइड जो थी इसको हम डिस्कस करें. पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट पर एनम, पाकिस्तान हर साल, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, डिकम्पोज, और उसको हर साल जो नेचुरल एग्रीकल्चरल वेस्ट है हम उसको कुदरती तौर पर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं और या उसको जला दिया जाता है. तो इसको हम यूज करें तो ये मुल्क के लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है. This can be effectively utilized for the mushrooms and the spent mushroom substitute. So, अगर हम इस total का अगर 1% भी agriculture waste को change करें mushroom production में, तो 1 million ton mushroom produce हो सकती है और 5 million ton compost. तो it is a huge number. So, इस पे हमें सोचना होगा. To conclude that this small initiative by the student generation will serve as a role model for others and create awareness among fellow students community. सो दैट्स ऑल. ये आपको समझाने के लिए ये है कि ये बिजनेस जो है इसमें ये चीज़ें आपको चाहिए और इतना आपको प्रॉफिट है. सो यू शुड टेक इट सीरियस इफ यू वांट टू डू इट एंड आई विल इनकरेज यू टू गो अहेड. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्लीज आस्क. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. I hope if you have any, there is no problem in understanding. If you have any question in the whole semester, please let me know.